मध्य प्रदेश से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक 8 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के दौरान 40 लोग कुएं में गिर गए। बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग लापता हैं। तकरीबन 12 लोगों को कुएं से बाहर निकाला जा चुका है। आपको बता दें, गुरुवार की रात एक 8 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसे देखने के लिए कुएं के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की तरफ से दबाव इतना ज्यादा बन गया था कि कुएं की बाउंड्री टूट गई और 40 लोग कुएं में जा गिरे। कुआं 40 फीट गहरा था। कुएं के पास रहने वाली महिला अनिता ने बताया कि ये कुआं इससे पहले भी 2 बार धसक चुका है। इसके धसकने की शिकायत सरपंच से कई बार की गई है। महिला ने बताया कि सरपंच से पहले जून और फिर जुलाई में लोगों ने शिकायत की थी। इन शिकायतों को अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर अधिकारी सही समय पर जाग जाते तो बड़ा हादसा नहीं होता। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जताते हुए कहा कि गंजबसौदा में हुई दुर्घटना में लोगों के निधन की दुखद खबर मिली। उनके शव निकाले जा चुके हैं। सीएम ने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य अभी जारी है।